हेलो गाइस, आज की मेको वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मिनीसो का रोज़ वेरिएंट में टोनर। इसको मैं कॉटन की हेल्प से अपने क्लीन फेस पे अप्लाई कर लूँगी और आप लोग देखो। मैं पता नहीं ये कॉन्शियस होके इतनी हार्शली अप्लाई कर रही थी, वैसे मैं इतना हार्श नहीं होती अपने फेस के साथ। उसके बाद मैं अपना प्राइमर और मॉइस्चराइज़र, दोनों 2-in-1 है। ये मुझे सैम्पल मिला था जब मैंने नायका से शॉपिंग करी थी स्मैश बॉक्स का, तो मैं ये अभी वो यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों एक ही में है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लूँगी और ये तो ये जब मैं शूट करने बैठी तो मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि मेरा आई लुक कैसा होने वाला है। करते करते अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर अपने आईज़ पे। ये है लोराक का प्राइमर, ये मुझे पैलेट के साथ ही मिला था, मैंने सेपरेटली परचेज़ नहीं किया था। और ये बहुत अच्छा प्राइमर है, इससे मेरी आई शेडोज़ बिल्कुल पुट रहती हैं चाहे कितनी भी देर हो जाए। हमेशा अपने आईज़ पे रिंग फिंगर का यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे कम प्रेशर होता है, तो वो सबसे कम हार्म करती हैं आईज़ को। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ करेक्टर ऑरेंज डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए। ये करेक्टर मैक का है, एक्चुअली करेक्टर भी नहीं है, ये उनका हाइलाइटर है, प्रेप एंड प्राइम हाइलाइटर। बट ये बहुत सटल ऑरेंज कलर देता है और काफ़ी ईजीली ब्लेंडेबल, मतलब काफ़ी ईजीली ब्लेंड हो जाता है, सो आई क्वाइट लाइक इट। यूजुअली मैं इसको अपने फिंगर टिप से ब्लेंड करती हूँ, स्पॉन्ज पे नहीं लगाती बिकॉज अगर स्पॉन्ज पे ऑरेंज कलर लग जाता है तो फाउंडेशन पे भी विजिबल होता है। इसके बाद मैं टार्ट का कंसीलर लेके आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो ब्रश है ये मैंने आई गेस शीन से मंगाया था, काफ़ी चीप ब्रश है बट इट सर्व्स द पर्पस, सो यहाँ पे मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी मैं अपने आईलिड्स पे और थोड़ा सा बीच में भी, क्योंकि वो मुझे अजीब सा लगता है बस इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है बीच में ब्लेंड करने का। इसके बाद मैंने लोराक प्रो की ही पैलेट ली है, ये लोराक प्रो 3 पैलेट है मेरे पास। फर्स्ट है जो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, सेकंड मेरे को मिली नहीं, थर्ड मिली थी तो मैंने वही परचेज़ कर ली थी कोई इंस्टाग्राम स्टोर से। अब मैं कंफ्यूज थी इस टाइम पे कि मैं कौन सा लुक क्रिएट करूं, तो मैंने पहले पैलेट छोड़ के ये ब्राउन कलर का पैक का काजल लिया है। इसको मैं अपने आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, मेरे को ब्राउन स्मोकी आई क्रिएट करना था। और ये बहुत अच्छी पेंसिल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत स्मूथ, बहुत ईजीली ब्लेंड होती है, कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। मैं रेकमेंड करूँगी सबको ये लेने के लिए और इतनी महंगी भी नहीं थी, 300 कुछ का इसका प्राइस है एज़ फार एज़ आई रिमेम्बर। मेरे को लिए भी बहुत टाइम हो गया। अब मैं एक बिल्कुल फ्लैट छोटे से ब्रश के साथ अपने लिड्स पे जो कलर है वो ब्लेंड कर रही हूँ। और हमेशा इनवर्ड्स ब्लेंड करना है जब भी स्मोकी आई करना है, आउटवर्ड्स कभी भी नहीं करना है। बहुत ईजी होता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। अब मैं दूसरी लिड पे भी सेम कर रही हूँ। आपको एक सेमी सर्कल टाइप में हमेशा बनाना होता है, जो आपकी क्रीज होती है उससे हल्का सा नीचे ही रहना चाहिए वो कलर आपका। अब सेम ब्रश के साथ मैं इनवर्ड्स ब्लेंड कर दूँगी। वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ फास्ट फॉरवर्ड करी हुई है, वरना ये सब को करने में अच्छा खासा टाइम लगता है।
अब मैं उसी लोराक पैलेट में से ब्राउन कलर लूँगी और उस क्रीम कलर को सेट कर दूँगी पाउडर से। बस मैं डैब डैब कर रही हूँ, इसको मैं मूव नहीं कर रही अभी। मैं मूव इसे तब करूँगी जब मैं ब्लेंडिंग ब्रश पे क्रीज को बिल्ड करूँगी। ये मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया, ये पैक का ब्लेंडिंग ब्रश है। उसी पैलेट में से मैंने लाइट ब्राउन कलर लेके विंड स्क्रीन वाइपिंग मोशंस में ब्लेंड कर रही हूँ, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। मुझे लगता है थोड़ा कलर उसका फेड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लेंड करते हैं, तो बस मैं वो हल्का सा बिल्ड कर रही हूँ उसी सेम ब्रश के साथ और फिर से उसे हार्श लाइन, उसके हार्श एजेस ब्लेंड कर रही हूँ। अब दूसरे आईज पे भी सेम करूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि प्रॉपर एडिटिंग कैसे करते हैं। सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। अब मैंने ब्लेंड कर लिया है, मुझे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिख रही है अपनी लिड में और क्रीज में। सो इस पैलेट का कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो जिसका फॉल आउट ज़्यादा हो। इसके बाद मैंने लिया मैक का फिक्स प्लस, ये गोल्ड लाइट वेरिएंट में है। इसके अंदर थोड़े थोड़े स्पार्कल चंक्स होते हैं जो काफ़ी ड्यूई फिनिश देते हैं। अब मैं ले रही हूँ टार्ट का वही कंसीलर जो मैंने आईज लिड्स पे लगाया था। इसे मैं सिर्फ, ये मेरे से लाइट कलर में है तो मैं इसे हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। सेंटर में फोरहेड के, आईज़ के नीचे, नोज़ के ब्रिज पे, लिप्स के ऊपर और हल्का सा, अच्छा ये उससे दूसरा लाइट शेड, मतलब थोड़ा डार्क शेड है, तो मैं इसे अपनी फाउंडेशन की तरह यूज़ करती हूँ क्योंकि बिकॉज आई लव 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 दिस कंसीलर। अब मैं एक बारी फिर से अपने आईज़ के आगे हाथ रख, अच्छा ये मैं स्पंज पे कर रही हूँ, अभी मैं आईज़ पे भी हाथ रख के करूँगी। बिकॉज पता नहीं यार कैसे मेरे से, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये वाला कंसीलर, सेट बहुत जल्दी हो जाता है और एक बारी अगर कंसीलर सेट हो जाता है तो उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप देखोगे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अभी। और सॉरी यार ये मेरी पहली वीडियो थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था एंगल का, कैमरा के एंगल का, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। अभी आप लोग देखोगे मैं अभी अपना, अच्छा ये जो मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ ये है रियल टेक्निक्स का ब्लेंडिंग स्पंज। और सॉरी यार मेरे हस्बैंड की पीछे से पबजी खेलने की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। और अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल वाइट फेस है, बट थोड़े टाइम बाद कंसीलर और या फिर आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज इज़ ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही थोड़ा डार्क होने लग जाता है, तो एवरीथिंग विल लुक गुड इन द एंड। अब मैं ले अपनी ब्राउज बनाने के लिए ब्राउ पोमेड लिया था, मेरा थोड़ा सा सूख गया क्योंकि बहुत पुराना हो गया, तो मैं उसमें बस इनग्लॉट का ड्यूरालाइन डाल रही हूँ, उसको थोड़ा लिक्विडिफाई करेगा और ईजी रहेगा प्रोडक्ट यूज़ करना।
ये मेरा बाय फार बेस्ट है, प्रोमेड रहा है। मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का भी यूज़ किया है, मैंने बेनिफिट के ब्राउ वेज और बाकी ब्राउ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करे हुए हैं, बट नथिंग 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 कंपेयर्स दिस ब्यूटी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस एकदम से विजिबल होता है ब्राउज बनाते ही। हालांकि अभी लॉकडाउन है, मैं अपने आईब्रोज बनवाने जा भी नहीं पा रही हूँ, बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आई डोंट थिंक एनीबडी कैन टेल कि मेरे ब्राउज पिछले 2-3 महीने से अनडन हैं। मैं टच अप तो देती रहती हूँ घर पे, बट प्रॉपर शेप नहीं बनवा पा रही हूँ। ओके, सो माय ब्राउज आर डन। एक बारी फिर मेरे थोड़े थोड़े है मेरे आईज़ के नीचे रिंकल्स, तो उन पे कंसीलर टेंस टू सिट नो मैटर हाउ मच मॉइस्चराइज़र और व्हाट सीरम आई यूज़ अंडर माय आईज़, वहाँ पे सेट होता ही होता है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ वेदर आई शुड गो फॉर अ विंग लाइनर और आई शुड जस्ट डू अ नॉर्मल लाइनर। यहाँ पे मैं क्रायलॉन का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी ड्यूरालाइन डालूंगी क्योंकि वो बहुत इजी कर देता है प्रोडक्ट यूज़ करना। और ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये एक्चुअली एक लाइनर का ब्रश है, सेफोरा का पर्पल कलर का लाइनर था जो बहुत पहले सूख चुका था, बट इसका ब्रश मुझे इतना अच्छा लगता है, इट्स सो ईजी टू यूज़ और बहुत पतला है तो विंग्स बनाने में बहुत ईजी रहता है। तो मैंने धो के उसको लाइनर अप्लाई करने के लिए रख लिया है। यहाँ पे बस मैं विंग आईलाइनर इतना ड्रामेटिक भी नहीं बना रही हूँ, हल्का सा विंग आईलाइनर बनाया है बिकॉज इतना कोई ड्रामेटिक लुक नहीं है। हल्की सी डे में यूज़ आप ये कर सकते हो, ब्राउन स्मोकी है। इसके बाद मैं दूसरी आईज़ पे बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैमरा उस पर फोकस नहीं कर रहा। बस मैं अपने विंग्स ठीक कर रही हूँ, देख रही हूँ दोनों मिलते जुलते हैं क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, दोनों आईज़ के विंग्स हमेशा डिफरेंट बनते हैं। और मुझे वीडियो बनाते बनाते इतना भी याद नहीं रहा कि दूसरी आईज़ को लाइनर ड्राई नहीं हुआ था। मैंने अपनी आईज़ ओपन कर ली और वो सारा ऊपर लिड पे लग गया, उसको मैं क्लीन करूँगी बाद में, आप वीडियो में देखना। यहाँ पे मैंने अपने जी पैलेट में मैक के ब्लशेस सेपरेटली ऐसे मैग्नेट से स्टिक करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं दो कलर का मिक्स करके ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो इस ब्रश से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ वो रियल टेक्निक्स का है। और ये देखो सारा लाइनर ऊपर लग गया, बट इसको बाद में करेंगे। अभी मैं पैक का लिप लाइनर यूज़ करूँगी पूरे लिप्स पे पहले। मुझे लिप लाइनर बहुत पसंद है, लैटिन लवर शेड नेम है, बहुत अच्छा, बहुत बटरी, बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया लाइनर है। यहाँ पे भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वो ऑफ कैमरा जा रही है मेरी सारी फुटेज, क्योंकि एक सिंपल डे लुक है। मैंने इसमें कोई हार्श कॉन्टोरिंग, कोई इतना ज़्यादा ड्रामेटिक आइज कुछ नहीं करा है, बहुत मिनिमम रखा है। अगर आप लोगों से भी कभी ऐसी गलती हो जाए तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए तब आप किसी क्यू टिप की हेल्प से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वेट में उसे क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो वो फैल जाएगा और प्रोडक्ट लेके हटेगा। लेट इट गेट ड्राई एंड देन यू कैन रिमूव इट।
अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर, तो मैं पैलेट यूज़ करूँगी एनेस्थासिया की हाइलाइटर पैलेट है, और ये बहुत छोटा सा हाइलाइटर ब्रश है, ये भी मुझे शीन से ही मैंने मंगवाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे हाइलाइटर अप्लाई करना, बिकॉज बिल्कुल एक्यूरेटली अप्लाई होता है। तो वहीं कॉमन पॉइंट्स पे मैं अप्लाई करूँगी। इसके बाद बस वो सेम ब्रश छोटा सा जिससे मैंने ब्राउन कलर पैट करा था लिड्स पे, उसमें जो भी प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर था उसको मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे स्मच कर दिया है, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लिया है। दैट इज़ द कंप्लीटेड लुक। यू गाइस होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ वेरी सून। थैंक यू।